हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी चावल से बने चरौरी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट चरौरी बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ मैं चावल ले ली हूँ, ये अरवा चावल है जिसको मैं रात भर के लिए भिगो कर ले ली हूँ। एक कप चावल है, इसको मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये देखिए पेस्ट रेडी है। इसको मैं एक बड़ा बर्तन में डालूंगी और इसको पानी डालकर इसको और पतला घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। इधर मैं कढ़ाई में पानी बॉयल करने के लिए रख दी थी। पानी बॉयल हो रहा है, इसमें मैं जो घोल रेडी करके रखी थी उसको डाल दूंगी। यदि आपके पास मोटे तले का कोई बर्तन हो तो उसको ले लें। इसको डालते के साथ लगातार चलाना है मुझे, नहीं तो ये इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी। ये देखिए लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे। इसको गाढ़ी होने तक पकाना है मुझे, जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए बिल्कुल। ये देखिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेल और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसे लगातार चलाते हुए पकने देंगे। इसको पकाने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल, आधा चम्मच के जितना। यदि आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं पसंद करते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये हमारा घोल बनकर रेडी हो गया है। यदि आप इसको थोड़ा और ठीक बनाना चाहते हैं तो और पकाएं और पानी का मात्रा थोड़ा कम ले लें। देखिए एक बर्तन में निकाल ले रहे हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, ऐसे बनाने में आसानी हो। गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं। अब चलिए चलते हैं इसको सुखाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैं एक कपड़ा फैला ली हूँ, साफ़ कपड़ा कोई भी ले सकते हैं, जैसे दुपट्टा या बेडशीट कुछ भी ले सकते हैं। यदि आपके पास साफ कपड़ा है तो ले लें, नहीं तो आप प्लास्टिक पे भी ले इसको बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको फैला लेंगे, चम्मच से भी फैला सकते हैं। इस सारे को मैं इस तरह से फैला ली हूँ और इसको 2 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए दो दिन बाद हमारा ये चरौरी बनकर रेडी है। अब मैं इसको तल ले रही हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बन रहा है, बिल्कुल जल्दी जल्दी ये तला जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है। ये हमारा चरौरी बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।